नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरा चैनल में जिसका नाम है एक्सक्लूसिव अवि। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने रिव्यू करूंगा पैनासोनिक का एक ट्रिमर है जिसका मॉडल नंबर है ER207WK। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। मैं बताता हूँ आप लोग को ये ट्रिमर के बारे में कैसा है क्या है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने ये पैनासोनिक का ER207W के रखा हुआ है। ये AC रिचार्जेबल बियर्ड हेयर ट्रिमर है। इसमें जो इसका लेंथ एडजस्टेबल है ब्लेड का, वो 2 mm से लेके मिनिमम 2 mm है या मैक्सिमम 8 mm है। उसका ब्लेड का लेंथ आप उतना एडजस्ट कर सकते हैं। या कुछ फीचर्स दिया गया है, क्विक एडजस्ट डायल 12 स्टेप्स है, टोटल 2 to 8 mm। 12 स्टेप्स में आप उसको डायल को एडजस्ट कर सकते हैं। आपका कॉर्डलेस ऑपरेशन दोनों अवेलेबल है, मतलब आप 35 से 20 इसको ऑपरेट कर सकते हैं एंड पावर में कनेक्ट करके भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। साइड में देखिए आपका पैनासोनिक ये मॉडल नंबर, और 240 मिनट का आपका ट्रिमिंग, मतलब इसका बैकअप बैटरी बैकअप जो है 40 मिनट तक आप यूज कर सकते हैं एक बार फुल चार्ज करने के बाद। और ये 220 to 240 वोल्ट उसका दिया है। पीछे भी कुछ फीचर्स ही दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं इजी एडजस्टमेंट, कुछ क्विक एडजस्ट डायल, ऐसा फोन जो फ्रंट पे भी दे दिया वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि इजी टू होल्ड, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, बहुत होल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं भी मुझे भी मालूम हुआ है, वो 3 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ, अच्छे से आपके हाथ पे फिट हो जाता है। हाई कटिंग ब्लेड, वॉशेबल है, ब्लेड आप वॉश कर सकते हैं, खोल सकते हैं एंड लेकिन बॉडी को वॉश नहीं कर सकते हैं, ये तो ऊपर भी लिखा हुआ है। आपका चार्ज इंडिकेटर तो ऊपर की तरफ देखे तो इधर में कुछ नहीं है, वही है इधर में कुछ है, खास है नहीं, जो सामने लिखा हुआ था वही सब है। तो इधर में भी कुछ है, तो हम लोग आपको दिखाता हूँ इसके MRP वगैरह। MRP देखिए ऑलमोस्ट 1900 है, मैंने इसको ऑलमोस्ट 1600 के आसपास खरीदा था। तो ठीक है, इस प्राइस में काफ़ी अच्छा है ट्रिमर, मेरे इन चाइना प्रोडक्ट है। चलिए इसको खोलते हैं, अंदर बहुत लेट कर लिए है, अंदर खोल के देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे ऊपर देखिए आपका एक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है, नॉर्मल सा मैनुअल है, जिसमें आपका सेफ्टी वार्निंग वगैरह से लेके आपका ट्रिमर को यूज़ कैसे करना है ये सब दिया गया है। ट्रिमर को क्लीनिंग कैसे करना है, हेड को कट कैसे करना है, इसका हर एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कौन सा आइडेंटिफिकेशन है, ट्रबल शूटिंग वगैरह सब कुछ है। तो ये मैनुअल काफ़ी यूजफुल है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, इसको ट्रिमर को आपका यूज करने से पहले। तो बॉक्स में क्या क्या है हम लोग देखते हैं, चलिए। तो आप पहले देखिए, यहाँ में आपका एक ब्रश, क्लीनिंग करने के लिए एक ब्रश है, इसको साइड में रख देता हूँ। और एक चीज़, छोटा सा चीज़ है जो आपका, ये ऑयल, ये भी क्लीनिंग ऑयल, आप हमें आपको बताऊँगा क्लीनिंग कैसे करना है वगैरह। अभी ये हम लोग का चार्जर देख लेते हैं, चार्जर को देख लेता हूँ। ओहो, चार्जर बहुत ही ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपका बहुत ही इतना भारी तो आपका चार्जर नहीं होना चाहिए था, मुझे लगता है बहुत भारी है। इसका रेटिंग वगैरह हम लोग चेक कर लेते हैं जल्दी से। पैनासोनिक इसका मॉडल नंबर RE599, इनपुट जो है 220 से 240 वोल्ट, AC है, 50 to 60 हर्ट्स है, 35 mA है ये आउटपुट इसका, 1.2 वोल्ट DC एंड 1 एम्पियर इसका है आउटपुट, मेड इन चाइना पैनासोनिक कॉर्पोरेशन। तो ठीक है, लेकिन वेट बहुत ज़्यादा, कुछ इस टाइप का आपको पिन मिल जाएगा जो फिलिप्स ट्रिमर में मिलता है, सेम टू सेम उसी टाइप का पिन आपको मिल जाता है। साइड कर देता हूँ मैं इसको भी, चार्जर को मैं साइड कर दिया। अभी हम लोग चलते हैं मेन ट्रिमर की तरफ, आपका मेन ट्रिमर। तो दोस्तों देखिए आप, ये आपका मेन ट्रिमर है, लुक में अच्छा है, उसका डिजाइन देख ही रहे होंगे, इसमें कर्व है, बहुत अच्छा है, आपका हाथ में आराम से फिट हो जाता है, आप ऐसे पकड़े या आप ऐसे पकड़े, हाथ में आराम से फिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। इधर आप देखिए, ये साइड में ये आपका ब्लेड एडजस्ट करने वाला, ब्लेड एडजस्ट करने का, देखिए आप, आपको बीच में नंबर दिखाई दे रहा होगा, नंबर 5,
काउंट कीजिए, 4 3 2 ऐसे 1 0 नहीं है आपको, 1 से मिलेगा। देखिए पैनासोनिक मॉडल नंबर ER2070W1.2V DC, जैसे पहले भी बता चुका हूँ 12 आवर इसका चार्जिंग टाइम है मैक्सिमम। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, 12 घंटा आपको इसको चार्ज करने में लगेगा, फुल चार्ज करने में। इसके बाद आपको 40 मिनट का बैकअप मिलेगा। तो इसमें दिया गया है कि आप उसको पानी में नहीं धो सकते, पानी दिया गया है। तो दिखने में तो काफ़ी मस्त है। आपको यहाँ में ये LED इंडिकेटर मिल जाएगा, देख रहे हैं ना, LED इंडिकेटर। और नीचे की तरफ आपका पावर कनेक्टर अडैप्टर जो है उसको कनेक्ट करने के लिए नीचे में। तो ये आपका पावर ऑन ऑफ स्विच पुश करना होता है, जैसे ये चल गया, साउंड आपको शायद आया होगा। तो अभी मैं ब्लेड को रिमूव करके दिखाता हूँ आपको, ब्लेड को कैसे रिमूव किया जाए। आप देखिए कैसे सीधे से ट्रिमर को पकड़िए और ब्लेड को पकड़ के सीधे से खींच लीजिए, ये आपका आराम से स्टेप बाय स्टेप निकल के आ जाएगा। अभी देखिए आपका ब्लेड, ये आपका ब्लेड। तो अभी इसको रिमूव करना भी वही बहुत सिंपल है, सब ट्रिमर से होता है। यहाँ पर पकड़िए आप, हल्का सा इसको पुश कीजिए, लीजिए आपका ब्लेड। ये आपका अंदर का पार्ट्स, अंदर में वही मोटर। और ये आप जो ब्लेड है इसको आप धो सकते हैं, ये ब्लेड को आप धो सकते हैं पानी में धो के, इसको फिर ड्राई करने के बाद जो मैं ऑयल दिखाया था उस ऑयल से इसको क्लीन करना है। उसके बाद जब फुली ड्राई हो जाएगा तभी आप इसको दोबारा यूज करना। खाली इस ब्लेड को धो सकते हैं आप, स्टीमर को ये सब पोर्शन आप नहीं धो सकते, ठीक है। चलिए इसको वापस लगा देता हूँ। तो मैं आपको इसका ओवरऑल बताता हूँ कि रिश्ता लगभग 3 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो यूज़ करके मुझे क्या फील हुआ, अच्छा लगा। ब्लेड काफ़ी शार्प है, आराम से आपका कट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। और ये जो डायल है, जो गार्ड है, इसको आप रिमूव करके डायरेक्ट ट्रिमर को यूज मत कीजिए, उससे आपको कटिंग वगैरह हो सकता है, तो वो ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट ट्रिमर को दोस्तों आप कभी यूज मत कीजिएगा, डायल को हटा के, उससे आपका बॉडी में इधर उधर कट हो सकता है, तो उसके लिए ध्यान दीजिए। हमेशा इस गार्ड के साथ, इस डायल के साथ ही ट्रिमर को यूज़ कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके डिज़ाइन की बात करते हैं, तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और बहुत मस्त डिज़ाइन है। और जो इसका मटेरियल का क्वालिटी के बारे में बात करें तो हाँ, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, सही में बहुत अच्छा है। प्लास्टिक का क्वालिटी, प्लास्टिक मटेरियल है सब, लेकिन क्वालिटी भी प्लास्टिक का काफ़ी अच्छा है। और ये जो आपका डायल है, जो आपका ये इसका जो ये आपका गार्ड है ना, ये सब आप हिलता है, बोलने का इसका हाथ से भी इधर उधर मोड़ सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा जोर से हाथ आपको उंगली लगेगा तो ये टूट सकता है, वो थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन ट्रिमर ओवरऑल बहुत अच्छा है, ब्लेड भी काफ़ी सारे आपका काम, डे टू डे काम जो है वो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो मेरी तरफ से तो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा ओवरऑल रिव्यू रहा ट्रिमर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है ER2070W के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये मेरा रिव्यू। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाइए, और अगर आपको कुछ सवाल पूछना है या कुछ डाउट है इस ट्रिमर के ऊपर तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग को भी इस तरह के वीडियो आगे मिलते रहे। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।